हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू UIS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। भारत की मिसाइल प्रणाली के बारे में लोगों ने चर्चा आरंभ की थी। दो लेक्चर मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्लासिफिकेशन के संदर्भ में हुए थे। फॉलो अप में दो लेक्चर हम लोगों ने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ इंडिया के बारे में, और कल जो अग्नि सीरीज जो इंडिया को डेटरेंस न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोवाइड करती है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो उसके दो भाग होंगे। पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स क्या हैं। भारतीय संदर्भ में जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भारतीयों द्वारा विकसित की गई स्वदेशी रूप से, आकाश, त्रिशूल, उसके बारे में चर्चा होगी। कभी बाद में भारत के जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे बराकेट, जो इसराइल और भारत का एक संयुक्त परियोजना है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारत में कहलाती है, वो इसराइल में जो है बराक एट कहलाती है। ये भारत और इसराइल की संयुक्त परियोजना है। तो बराक एट के बारे में कभी और चर्चा होगी, लेकिन आज जो हमारी जो चर्चा होगी वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स ऑफ इंडिया के बारे में, जो DRDO के द्वारा विकसित की गई, विशेष रूप से IGMDP प्रोग्राम के अंतर्गत। और अगर समय शेष रहा तो भारत में जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो के सीरीज़ के नाम से जानी जाती हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम के आधार पर जिसे के सीरीज़ कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं भारतीय एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है क्या, पहले इसी को समझ लिया जाए कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमारा आशय क्या है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल विशेष रूप से जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उसके वर्ग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो भारत में विकसित की गई हैं, दो तरीके की हो सकती हैं, एयर टू एयर भी हो सकती है, सरफेस टू एयर भी हो सकती है। एयर टू एयर जो अस्त्र है उसके बारे में चर्चा कभी बाद में होगी। जो सरफेस टू एयर मिसाइल है SAM, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो शुरुआत से ही ये जो है निर्धारित किया गया था, कि सरफेस टू एयर मिसाइल जो IGMDP प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित की जाएगी वो दो तरीके की होंगी। उनमें से एक आकाश के नाम से जानी जाती है और दूसरी जो जानी जाती है वो जो है त्रिशूल मिसाइल के नाम से जानी जाती है। तो हम लोगों जो चर्चा होगी इसी क्रम में होगी। हम लोग दो भाग में इस पूरी चर्चा को बांट करके रखेंगे। पहले भाग में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आकाश मिसाइल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आकाश मिसाइल के बारे में चर्चा करते हैं। मिसाइल जो आकाश मिसाइल है वो क्या है। आकाश मिसाइल, तो आकाश मिसाइल जैसा नाम से हम लोग पहले कहा था, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इसके आगे ब्रैकेट में इसके क्लास को लिख लिया है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये अपने वर्ग की सबसे सुरक्षित और बेहद सटीक मिसाइल्स में से एक है। आकाश मिसाइल को सतह से हवा में मार करने के लिए विकसित किया गया है। ये सरफेस से उड़ान भरती है और एयर में जो एयरबोर्न टारगेट्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं ड्रोन्स हो गए, जैसे हवाई जहाज हो गए, या कुछ प्रकार की जो मिसाइल्स होती हैं उनको हवा में मार करके नष्ट करके करने के लिए इसको विकसित किया गया। आकाश एक ऐसी मिसाइल है जिसकी तुलना अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलों से अक्सर की जाती है। आपको याद ही होगा कि जब खाड़ी का युद्ध हो रहा था तो उसमें अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों ने जो स्कड प्रक्षेपास्त्र हैं उनको मार करके नष्ट करने में प्रभावी भूमिका उसमें अदा की थी। तो सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश की तुलना अमेरिका की एक बहुत प्रसिद्ध मिसाइल
पैट्रियट से की जाती है। ये सतह से हवा में मार करने के लिए विकसित की गई है। आज आकाश के अनेक संस्करणों का विकास हो चुका है। आकाश का विकास IGMDP प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ था। IGMDP प्रोग्राम के अंतर्गत आकाश मिसाइल का विकास किया गया था। आगे चल करके आकाश के अनेक अन्य वर्जन जैसे आकाश 1S का विकास किया गया। आकाश 1S इसका विकास 2019 में इसका सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि आकाश का एक अन्य संस्करण बाद में विकसित किया गया, इसे आकाश प्राइम के नाम से जाना जाता है। आकाश प्राइम के नाम से जाना जाता है। तो शुरुआत में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में विकसित की गई। 2019 में आकाश के एक अन्य उन्नत संस्करण का विकास किया गया, इसे आकाश 1S कहते हैं। 2020-2021 में आकाश के तीसरे वेरिएंट आकाश प्राइम का विकास किया गया। आकाश के चौथे वेरिएंट आकाश न्यू जनरेशन आकाश NG का विकास इस समय किया जा रहा है। तो जो आकाश मिसाइल है, जो जो आकाश मिसाइल है, आकाश जो प्रक्षेपास्त्र है, ये अगर आप देखें तो आकाश प्रक्षेपास्त्र इसमें बहुत ज्यादा उन्नत प्रणालियां लगी हुई थी। आकाश प्रक्षेपास्त्र सतह से हवा में मार करने वाला एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जो प्रारंभ में 25 किलोमीटर की ऊंचाई है, 25 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती थी, 25 किलोमीटर और 55 किलोग्राम भार के विस्फोटकों को ये ले करके चलता था। 55 किलोग्राम भार के विस्फोटकों को ये ले करके उड़ान भरता था। 55 किलोग्राम ये फ्रेगमेंटेड जो आप कह सकते हैं वॉरहेड हुआ करते थे। इस मिसाइल में विस्फोट करने के लिए प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का प्रयोग किया गया। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज क्या है, देखिए दो तरीके हैं। हवाई जहाज जोड़ करके आ रहा है, मिसाइल डायरेक्ट हिट कर रही है, तो ये किल टू हिट है, हिट टू किल है। मतलब ये हिट करेगी और प्रक्षेपास्त्र जब जाकर के मिसाइल जो है हवाई जहाज टकराएगा तो हवाई जहाज जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। मान लें कि मिसाइल जो है हवाई जहाज के बगल से निकल गई तो हवाई जहाज बच गया। सीधा इंपैक्ट अगर ना हुआ तो सीधी सी बात है कि हवाई जहाज बच जाएगा। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का जब प्रयोग किया जाता है तो हवाई जहाज के बचने के चांस बहुत हद तक जो है कह सकते हैं कम हो जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज क्या है, देखिए जब जो है जब हमारा प्रक्षेपास्त्र जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसको हिट करके प्रक्षेपास्त्र को जो है वायुयान को हिट करके उसको किल करना, उसे नष्ट करना है, तो जब तक डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा तब तक कोई प्रभाव नहीं हो सकता। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज में क्या होता है, मिसाइल को हवाई जहाज से या ड्रोन से या मिसाइल से सीधे टकराना ही नहीं होता है। ये जब इसके पास पहुंचता है यानी हवाई जहाज के पास पहुंचता है, उससे टकराने के ठीक पहले मिसाइल का जो वॉरहेड होता है, मिसाइल का जो विस्फोटक होता है वो जो है फटता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और ये टुकड़े हवाई जहाज से टकराते हैं। तो एक हवाई जहाज से एक पूरी मिसाइल टकराए से ज़्यादा अच्छा है कि मिसाइल ब्लास्ट करे और उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हवाई जहाज से जाकर टकराए। तो इसमें आप कह सकते हैं हवाई जहाज के नष्ट होने की क्षमता जो नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रारंभ में जिस आकाश का विकास किया गया 25 किलोमीटर की रेंज तक मार करती है, 55 किलोग्राम भार का इसका वॉरहेड होता है जिसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, ये वायु में ध्वनि की रफ्तार से 2.5 गुनी रफ्तार पर उड़ान भरती है। इस गति को 2.5 मैक कहा जाता है, 2.5 मैक। जब भी हम किसी वायुयान का मिसाइल का की रफ्तार को ध्वनि की रफ्तार से तुलना करते हैं तो जो संख्या होती है उसको मैक संख्या कहा जाता है। यानी अगर कोई चीज
ध्वनि की रफ्तार से 3 गुनी रफ्तार पर चल रही है तो हम कहेंगे उसकी गति 3 मैक है। अगर वो ध्वनि की रफ्तार से 2.5 गुनी रफ्तार पर उड़ रही है तो हम उसको कहेंगे 2.5 मैक है। अगर हम कहेंगे कि वो जो है ध्वनि की रफ्तार से 2 गुनी रफ्तार पर उड़ रही है तो हमको उसको कहेंगे 2 मैक। तो ये जो आप कह सकते हैं जो आकाश प्रक्षेपास है ये ध्वनि की रफ्तार से 2.5 गुनी रफ्तार पर उड़ान भरता है। आकाश प्रक्षेपास की सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें रैमजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। जब हम प्रारंभिक लेक्चर ले रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि जो मिसाइलें होती हैं उनमें ईंधन भरा होता है, आगे उसमें वॉरहेड होता है, जब ईंधन का दहन किया जाता है तो ये प्रक्षेपास तेजी से आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने इस तरीके की जो बात की थी। आकाश मिसाइल में जो है 2 तरीके के जो है प्रणालियों का प्रयोग किया गया है। आकाश मिसाइल में सामान्य रॉकेट इंजन तो लगाई है जो इसे प्रारंभिक पुश देता है, लेकिन जब आकाश मिसाइल कुछ गति प्राप्त कर लेती है तो आकाश मिसाइल के भीतर लगे हुए एक दूसरे अत्याधुनिक इंजन सक्रिय हो जाता है। इस इंजन को रैमजेट कहा जाता है। तो सामान्य रॉकेट इंजन जो है, जो सामान्य रॉकेट होते हैं या जो सामान्य मिसाइलें होती हैं उनमें ईंधन ऑक्सीकारक के साथ मिश्रित होता है और ये जो ईंधन होता है इसका दहन होता है और आगे वेग प्राप्त करते हैं। रैमजेट इंजन क्या करता है, ईंधन का दहन करने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। आप समझ सकते हैं कि जब रैमजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा तो रॉकेट अथवा मिसाइल का भार जो है वो कुछ घट जाएगा, जो प्रक्षेपास होगा उसका भार घट जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस आकाश प्रक्षेपास में रैमजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, रैमजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। ये इसको एक आप कह सकते हैं एक तीव्र गति पर चलने वाले एक क्विक जो है रिएक्शन, एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिसाइल के रूप में विकसित कर देता है आकाश। आकाश प्रक्षेपास के साथ साथ एक आप कह सकते हैं एक उसके साथ यूनिट जोड़ी जाती है, ये राजेंद्र राडार के नाम से जानी जाती है। राजेंद्र राडार तो शत्रु के हवाई जहाजों को नष्ट करने के लिए आकाश मिसाइल को राजेंद्र राडार के साथ संयुक्त किया जाता है। राजेंद्र राडार जो है ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित एक ऐसा राडार है जो फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है, अर्थात ये एक साथ अनेक लक्ष्यों की निगरानी कर सकता है। तो राजेंद्र राडार हवा में उड़ने वाले 64 लक्ष्यों को 64 टारगेट्स को एक साथ निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर ये इनमें से 4 टारगेट्स को इंगेज भी कर सकता है। तो ये जो आप कह सकते हैं जो मिसाइल है, जो आकाश मिसाइल है, ये वाहन पर रखी रहती है, वाहन के ऊपर इसको वाहनों पर लाद के ले जाया जाता है और मिसाइलों को गाइड करने के लिए इसके साथ राजेंद्र राडार संयुक्त किया जाता है। राजेंद्र राडार स्थलीय रूप से किसी एक विशिष्ट गाड़ी के ऊपर होता है, यानी एक गाड़ी पर राजेंद्र राडार होता है और दूसरी गाड़ियों पर किन्हीं अन्य गाड़ियों के ऊपर मिसाइल होती है, आकाश मिसाइल होती है। एक गाड़ी पर ऐसी 3 मिसाइलें होती हैं। सामान्य रूप से एक राजेंद्र राडार के साथ 4 ऐसी गाड़ियां होती हैं। कहने का मतलब है कि एक राजेंद्र राडार के साथ 12 जो आकाश मिसाइलें होती हैं एक साथ कनेक्ट कर दी जाती हैं। राजेंद्र राडार हवा में उड़ करके आने वाले विभिन्न लक्ष्यों को पहचानता है, उनकी निगरानी कर सकता है, एक साथ 64 लक्ष्यों की निगरानी कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर एक साथ 4 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। तो ये आकाश प्रणाली है, ये आकाश प्रणाली है। 25 किलोमीटर की दूरी तक उड़कर के आने वाले ऐसे वायुयान को
या ऐसे ड्रोन को ये आसानी से अपना निशाना बना सकते हैं जो आपकी सीमा के भीतर पहुंच रहे हो, क्योंकि सर्वलांस राडार राजेंद्र जो है ये बहुत ही शक्तिशाली राडार में से एक है। राजेंद्र राडार का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया गया था। नाम याद करना इसीलिए बहुत आसान है। तो आकाश मिसाइल इस तरीके से विकसित की गई, ये IGMBP प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित की जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स में से पहली थी। लेकिन क्या हुआ कि धीमे धीमे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहे और कुछ नए प्रकार की प्रणालियों को इसमें जोड़ा गया, इसलिए आकाश से ज़्यादा उन्नत एक अन्य प्रणाली का विकास किया गया, इसे आकाश 1S के नाम से जानते हैं। आकाश 1S के नाम से इस प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को जाना पहचाना जाता है। आकाश 1S का विकास अभी 2019 के ही दौरान हुआ। तो 2019 में आकाश 1S का परीक्षण किया गया, करीब 25 और 27 मई 2019 आकाश 1S नाम की एक उन्नत आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो इसमें अंतर क्या आ गया, जहां आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है, आकाश 1S 30 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। आकाश मिसाइल में 55 किलोग्राम भार विस्फोटक है, इसमें 60 किलोग्राम भार विस्फोटक का प्रयोग किया गया है। और नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का प्रयोग करने के कारण ये अपने लक्ष्य को डिटेक्ट करने और उसको नष्ट करने में कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। तो इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है 2019 में, और आप देखिए कि अब ये आकाश 1S मिसाइल धीमे धीमे जो असामान्य आकाश मिसाइलें हैं उनके स्थान को जो है ले लेगी। आकाश 1S के बाद आकाश के एक और उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का विकास किया गया। आकाश प्राइम का विकास जो है ये आकाश मिसाइल के आधार पर किया गया, और इसका परीक्षण जो है ये 2021 में 27 सितंबर 2021 को आकाश जो क्लास है मिसाइलों का, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसके एक नवीनतम संस्करण का विकास जो है आकाश प्राइम के नाम से किया गया। 27 सितंबर 2021 को इसका सफल परीक्षण किया गया। इसको इस तरीके से विकसित किया गया है कि ये हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाइयों पर, बेहद निम्न तापमान पर भी सक्रिय रह सके। जब भी हम ऊंचाई बोले, आपके मन में आ जाना चाहिए कि इसको हम हिमालयन रेंज पर कहीं जाकर के ऑपरेट करेंगे। इस मिसाइल का मुख्य कार्य क्या है, शत्रु के हवाई जहाज जो उड़ करके आपकी सीमा के भीतर आ रहे हो उनको डिटेक्ट करना, उनको लोकेट करना, उनको न्यूट्रल करना, उनको नष्ट करना। चीन की जो चुनौती भारत के संदर्भ में बढ़ती जा रही है, सीमा पर जो तनाव होते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से चीन एक एक्सपेंशनिस्ट नेशन के तरीके से व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से उसकी सीमा से संलग्न विभिन्न देशों के साथ उसका एक सैन्य तनाव बना रहता है, वो मिलिट्री शोडाउन करना चाहता है, वो हमेशा अपनी पावर का प्रदर्शन करना चाहता है, वो अपनी सैन्य क्षमता से अपने पड़ोसी देशों को भयभीत करके सीमा में मनचाहे संशोधन करवाना चाहता है, वो टैक्टिक्स भारत के साथ ना चले, इसलिए हमें शक्तिशाली होना हो। और तब फिर ऐसी स्थिति में ये मिसाइल लो टेम्परेचर पर, यानी पहाड़ों पर, हिमालय वगैरह में आप जानते ही हैं कि सियाचिन वगैरह के आसपास टेम्परेचर -40 हो जाता है, सामान्य रूप से ये बहुत निम्न तापमान हो जाता है। ऐसी स्थिति में, इन होस्टाइल परिस्थितियों में हर सैन्य उपकरण काम करे जरूरी नहीं होता, तो इसको बेहद निम्न तापमान पर कार्य करने के लिए विकसित किया गया है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि मिसाइल का विकास क्यों किया गया और क्यों जरूरी था। 25 किलोमीटर को ऐसी तो दूरी है नहीं कि आप दूरस्थ देशों के हवाई जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। इमीडिएटली जो आपके नेबर होंगे, जिनकी सेनाएं, जिनके हवाई जहाज, जिनकी मिसाइलें, जिनके ड्रोन,
आपकी सीमा के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, आप उन्हीं को न्यूट्रल करेंगे। बांग्लादेश में कभी तापमान बहुत लो टेम्परेचर नहीं जाता है। पाकिस्तान का भी जो ज़्यादातर क्षेत्र भारत के साथ संलग्न है उसमें भी लो टेम्परेचर नहीं जाता है। ठीक है कि जम्मू कश्मीर से संलग्न क्षेत्रों में तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है, लेकिन चीन के साथ जो हमारी सीमा है उस पर तो तापमान अक्सर बहुत ही लो बना रहता है। तो ये बहुत निम्न तापमान पर कार्य करने के लिए विकसित की गई है। हाई एल्टीट्यूड लो टेम्परेचर पर बेहद ख़राब परिस्थितियों में काम करने के लिए आकाश प्राइम का विकास किया गया है। इसमें एक ज़्यादा शक्तिशाली, एक ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण प्रकार के एक इलेक्ट्रॉनिक, जो आप कह सकते हैं जो राडार है, सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसके कारण आकाश प्राइम अपने लक्ष्य को बहुत सटीक ढंग से पहचान सकती है और बेहद सटीक ढंग से उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकती है। जब सीमा पर लड़ाई चलती है तो आपके भी हवाई जहाज शत्रु के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ बमबारी वगैरह करके वहाँ से वापस लौटते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आकाश मिसाइल आप ही के हवाई जहाज को शत्रु का हवाई जहाज समझ करके उसको नष्ट कर दे। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन चीज़ों को डिजिटली पहचान कर ली जाती है कि जो नई प्रणाली है इस तरीके के सभी जो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रिक्स है उनके साथ पूरी तरीके से सुसज्जित है। इस तरीके से ये ज़्यादा शक्तिशाली मिसाइल। तो अग्नि प्राइम का विकास किया गया है। अग्नि प्राइम इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा शक्तिशाली है, बेहद होस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर में, बेहद जो है कह सकते हैं नकारात्मक जो भौतिक परिस्थितियां होती हैं जिसमें तापमान बहुत निम्न होता है उसमें भी ये कार्य करने के लिए विकसित की गई है। और इसका सफल परीक्षण 27 सितंबर 2021 को किया गया। याद रखिएगा आकाश 1S का परीक्षण जो है वो 2019 में संपन्न किया गया था 25 और 27 मई 2019 को, और यहाँ आकाश प्राइम का परीक्षण 27 सितंबर 2021 को कर लिया गया। इस तरीके से नई आकाश मिसाइलों जिनका विकास किया जा रहा है पूर्वकालीन आकाश मिसाइल से ज़्यादा समुन्नत है। लेकिन आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का विकास भी किया जा रहा है और इस मिसाइल को आकाश NG का नाम दिया जाता है। आकाश NG का मतलब है न्यू जनरेशन। आकाश NG का आशय है आकाश न्यू जनरेशन। तो नई पीढ़ी की जो आकाश मिसाइल है इसमें कौन सी विशेषता होगी और पुरानी पीढ़ी से आधुनिक पीढ़ी की क्यों हो जाएगी? क्योंकि आकाश 1S जहाँ 70 किलोमीटर तक दूरी तक मार करती है, अग्नि प्राइम भी वैसे ही करती है, आकाश NG 70 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के रूप में विकसित की जा रही है। कहने का मतलब है इसकी रेंज बढ़ जाएगी और इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन फेज एरे राडार लगा हुआ है जो इस मिसाइल को शत्रु के हवाई जहाजों को पहचानने की और ज्यादा क्षमता दे देता है। हमने शुरुआत में कहा था कि मिसाइल में जो आकाश मिसाइल है उसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का प्रयोग किया गया है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज मिसाइल को क्षमता देता है जिससे टारगेट के प्रॉक्सिमिटी यानी बेहद क्लोज रेंज पर पहुंचने के बाद अपने आप को ध्वस्त कर देती है। डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, डायरेक्ट हिट टू किल इसका टारगेट नहीं होता, सीधे हवाई जहाज से टकरा के उसे नष्ट नहीं करती, उसके निकट पहुंच करके अपने आप को ब्लास्ट करवा देती है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करती है अपने आप को, और इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हवाई जहाज से टकरा करके उसको और ज़्यादा गंभीर क्षति पहुँचाते हैं। तो इसमें जो आकाश न्यू जनरेशन है उसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से ज्यादा समुन्नत ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का प्रयोग किया गया है। ऑप्टिकल या ऑप्टिकली जो है एक्टिवेट हो जाता है। ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज सामान्य प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा दक्ष है। इस तरीके से मिसाइल की कार्य करने की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है। तो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा आकाश मिसाइल का विकास किया गया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक अन्य सरफेस टू एयर मिसाइल के विकास करने की योजना बनाई गई थी और इस मिसाइल को हम त्रिशूल के नाम से जानते हैं।
त्रिशूल। त्रिशूल को 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना था। 9 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ करके आने वाले हवाई जहाजों को नष्ट करने के लिए त्रिशूल मिसाइल का विकास किया गया। इसमें विस्फोटक की मात्रा, रेंज छोटी है, विस्फोटक की मात्रा भी छोटी ही थी। त्रिशूल मिसाइल की रेंज, स्ट्राइक रेंज बहुत छोटी है, कुल 9 किलोमीटर, लेकिन फिर भी ये आप कह सकते हैं शत्रु के हवाई जहाजों को प्रतिरोध करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। हवाई जहाज यूजली आप कह सकते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं यूजली जो है, जब शत्रु क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो बहुत लो फ्लाइट पर चलते हैं। ऊंचाई पर उनका राडार डिटेक्शन आसान हो जाता है, इसलिए अक्सर वो बहुत निम्न ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए आते हैं। यूजली 9 किलोमीटर की रेंज के अंतर्गत शत्रु के हवाई जहाज जो है आ ही जाते हैं। मतलब जाने के लिए तो हवाई जहाज, जो जेट एरोप्लेन होते हैं, 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं, उनकी अपनी सीमाएं भी होती हैं। तो 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर करके नष्ट करने की क्षमता त्रिशूल मिसाइल से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। अनफॉर्चुनेटली त्रिशूल मिसाइल के डेवलप होने में बहुत ज्यादा देर लग गई, और इसलिए भारतीय सेना के विभिन्न अंगों ने, थल सेना ने, जल सेना ने और वायु सेना ने, क्योंकि त्रिशूल मिसाइल का तो विकास हो नहीं पा रहा था, और त्रिशूल मिसाइल हमको एक एयर डिफेंस प्रणाली देती है, शत्रु के हवाई जहाजों को मार करके नष्ट करने की क्षमता देती है, तो अगर हमारे देश में स्वदेशी रूप से त्रिशूल मिसाइल का विकास नहीं हो रहा था तो या तो हमारी सुरक्षा सेनाएं इस मिसाइल के बनने का इंतजार करती। लेकिन सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपनी सेनाओं को वेल प्रिपेयर्ड स्टेट पर सदैव रखेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि शत्रु हमारी सेनाओं के अनप्रिपेयर्डनेस का लाभ ले ले और हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। तो दूसरा तरीका यह था कि हम नई मिसाइलों को इनकॉर्पोरेट कर ले, इम्पोर्ट कर लें। इसलिए त्रिशूल मिसाइल के विकसित होने के पहले थल सेना, जल सेना और वायुसेना ने अपने अपने लिए इस तरीके की मिसाइलों को अंगीकृत कर ली, उनको खरीद लिया, उन मिसाइलों को खरीद लिया गया। तो ये त्रिशूल मिसाइल होंगे, त्रिशूल मिसाइल जो है ये भारतीय सेना में अंगीकृत नहीं की गई। मिसाइलें बनी लेकिन जब तक विकसित होकर के आई तब तक ये आउटडेटेड हो चुकी थी, इसलिए किसी भी भारतीय सेना के अंग ने इनको अंगीकृत नहीं किया। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि त्रिशूल मिसाइल इस तरीके से असफल हुई। देखिए, जब हम किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं तो दो रास्ते होते हैं, या तो हम सफल हो जाते हैं और या तो हम असफल हो जाते हैं। असफलता निराशा हताशा की बात नहीं होती, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। त्रिशूल मिसाइल का डिज़ाइन करने वाले वैज्ञानिकों की बाद में जाकर के भारत और इजराइल की जो संयुक्त परियोजना है, जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का विकास किया गया भारत में, जिसको इजराइल में बराक 8 कहते हैं, इन प्रणाली का विकास करने वाले जो भारतीय वैज्ञानिक दल था वो त्रिशूल प्रोजेक्ट से ही निकला हुआ था। त्रिशूल प्रोजेक्ट सैद्धांतिक रूप से, मतलब व्यवहारिक रूप से असफल था, क्योंकि भारतीय सेना ने तो इसको अंगीकृत किया नहीं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसलिए सफल था क्योंकि त्रिशूल मिसाइल की जो खूबियां हैं या जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया एक नए प्रोजेक्ट में, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो भारत और इसराइल की एक संयुक्त परियोजना है। इस मिसाइल के परिणाम स्वरूप जो मिसाइल बनी उसको इसराइल में बराक 8 कहा जाता है, और दुनिया की सबसे सफल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों में से बराक 8 भी एक है। तो यदि त्रिशूल मिसाइल विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के पास कार्य अनुभव न होता तो बराक 8 या LRSAM विकसित कैसे होती। कहने का मतलब है कि हाँ, इस मायने में तो त्रिशूल प्रणाली असफल रही कि उसको भारतीय सेना ने अंगीकृत नहीं किया, लेकिन इस मामले में सफल भी रही कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमारे पास हो गया और इस टेक्नोलॉजी का हमने बेहतर प्रयोग करके नई शक्तिशाली मिसाइल का विकास कर लिया। भारत की कुछ अन्य एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी हैं, जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लेकिन क्योंकि एक संयुक्त परियोजना है तो इसके बारे में लोग चर्चा कहीं बाद करेंगे।
अब हम भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किए जाने वाली के सीरीज के बारे में भी चर्चा कर लें। भारत में विकसित होने वाली जो के सीरीज की मिसाइल है, जैसे हम कह सकते हैं K-15 जिसे सागरिका का नाम दिया जाता है, या K-4, K-5, K-6, ये जो के सीरीज की मिसाइल है, ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वर्ग के साथ जुड़ी हुई है, SLBM। ये क्या है? सबमरीन लॉन्च के सीरीज मिसाइल है। के सीरीज जो है मिसाइल्स की पूरी श्रृंखला है। के सीरीज जो मिसाइल है वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM के अंतर्गत आती है। और जो के सीरीज मिसाइल्स हैं, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इनका नामकरण किया गया। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो सवारियां हमने आपसे पहले भी इंगित की थी, अगर आप हमारे लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे देन यू विल बी नोइंग, हमने कहा था कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ये समुद्र की सतह के नीचे होती हैं। सबमरीन्स या पनडुब्बियां जो हैं ये समुद्र की सतह के नीचे से ऑपरेट करती हैं, और इन पनडुब्बियों से मिसाइलों को दागा जाता है। समस्या ये होती है कि जब मिसाइल इस पनडुब्बी से बाहर निकलती है तो इसके चारों ओर पानी का वातावरण है। परिणाम स्वरूप अगर पनडुब्बी से बाहर निकलते समय मिसाइल इग्नाइटेड होगी, प्रज्वलित होगी, तो पानी उस आग को बुझा देगा। इसलिए सबमरीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों में कुछ विशिष्ट प्रणालियां होती हैं, इसलिए सामान्य मिसाइलें नहीं होती। इन मिसाइलों में गैस इजेक्टर्स होते हैं, जैसे आप गुब्बारे में हवा भर दें, छोड़ दें, तो गैस के प्रेशर से आगे बढ़ता है। उसी तरीके से इन मिसाइलों के नीचे इजेक्टर्स लगे होते हैं, कंप्रेस्ड एयर का धक्का दिया जाता है। इस धक्के के कारण मिसाइल समुद्र की सतह को चीरते हुए ऊपर की ओर आगे बढ़ती है। जब ये एयरबोर्न हो जाती है यानी हवा में पहुंच जाती है, केवल इसके बाद जो है इस मिसाइल में इग्निशन ऑन होता है, और इग्निशन के ऑन होने के बाद अब इसमें से गर्म गैसें निकलती हैं, परिणाम स्वरूप ये ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं उनकी तुलना में के सीरीज की जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज तो उतनी ही है, लेकिन वो हल्की हैं। मिसाइल में अब बहुत ज़्यादा भारी मिसाइलों को लेकर के, पनडुब्बियों में बहुत ज़्यादा भारी मिसाइलों को लेकर के नहीं चल सकते। इसलिए के सीरीज की मिसाइल का विकास करने के लिए इसमें कुछ नए प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया गया है, जो द्रव्यमान के अनुपात में हल्के हैं लेकिन शक्ति के अनुपात में जो है बेहद शक्तिशाली है। तो इस तरीके से मिसाइल के भीतर प्रयोग में लाए जाने वाले ईंधन के द्रव्यमान को घटा करके हम मिसाइल को हल्का बना सकने में सफल हुए। तो एक लंबे समय से भारतीय वैज्ञानिक के सीरीज की मिसाइल का गुप्त परीक्षण कर रहे थे। के सीरीज की मिसाइल में विकसित होने वाली जो पहली मिसाइल है उसको कोड नाम, एक गुप्त नाम BO5 दिया गया था। बाद में ये जो BO5 मिसाइल है इसी को एक अन्य नाम दिया गया, जिस नाम से ये दुनिया में जानी जाती है, K-15, और इसका एक सामान्य नाम सागरिका भी है। तो सागरिका अथवा K-15 भारत में विकसित होने वाली पहली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसका विकास
IGMDP प्रोग्राम से स्वतंत्रता पूर्वक किया गया, क्योंकि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जिन 5 मिसाइलों के विकास की योजना बनी थी उनमें एक थी पृथ्वी, दूसरी थी अग्नि, तीसरी थी आकाश, चौथी थी त्रिशूल। इन चारों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एक नाग जो एक एंटी टैंक मिसाइल है उसकी चर्चा आगे आ जाएगी। तो अग्नि जो है ये के सीरीज की जो मिसाइलें हैं इनका विकास जो है यह बेहद गोपनीय तरीके से किया गया और इसको एक कोड नेम BO5 दे दिया गया। अनेक ट्रायल के सफल हो जाने के बाद तब एक मीडिया के सामने ट्रायल किया गया K-15 का, जिसमें एक पैंटून के माध्यम से इसको समुद्र की सतह से करीब 60 मीटर की गहराई से छोड़ करके प्रमाणित किया गया कि मिसाइल वास्तव में शक्तिशाली है। K-15 की रेंज प्रारंभ में 750 किलोमीटर थी, आज कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी रेंज 750 से लेकर के 1500 किलोमीटर के बीच पहुंच चुकी है। तो 750 किलोमीटर हो तो हम कह सकते हैं मीडियम रेंज है, और अगर ये 1500 किलोमीटर है तो हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। तो 750 किलोमीटर से लेकर के 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली एक मिसाइल है। इसमें दो चरण हैं, टू स्टेज्ड मिसाइल है और करीब करीब 1 टन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हथियार लेकर के चलने की इसकी क्षमता है। कहने का मतलब है जरूरत पड़ने पर यह हमारे लिए परमाणु हथियार को भी लेकर के चल सकती है। इसका एक्टिव इंटीग्रेशन किया जा चुका है। भारत के में विकसित होने वाली जो परमाणु पनडुब्बी है अरिहंत, जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी जो है व्हीकल है ATV, उसके साथ इसको फुली इंटीग्रेट किया जा चुका है। तो अरिहंत नाम का जो हमारा जो पनडुब्बी है जो परमाणु शक्ति से चलित है, उस परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी अरिहंत के साथ इसके 15 सागरिका मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा चुका है। इस तरीके से परमाणु हथियार के संबंध में हमारी ट्रायड की संकल्पना पूर्ण हो जाती है। कभी और हमने आपसे कहा था कि 1998 में 1998 में हमने परमाणु शक्ति का एक सफल परीक्षण किया था। 1974 में तो किया ही था, 1998 में भी किया था। 1998 में परमाणु शक्ति का सफल परीक्षण करने के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा के पटल पर घोषित किया कि अब हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, और एक परमाणु नीति का प्रकाशन किया गया जिसमें हमने अपने आप को नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के साथ बांधा। लेकिन यह भी कहा गया कि भारतीय जो सरकार है वो भारतीय सेना के तीनों अंगों को परमाणु हथियारों से सुसज्जित करना चाहती है। यही संकल्पना ट्रायड की संकल्पना है। दिस इज व्हाट इज नोन एज ट्रायड। इसी को आप ट्रायड के नाम से जानते हैं, ट्रायड। तो भारतीय जो आप कह सकते हैं सेना के तीनों अंगों को, अब अग्नि मिसाइल भारतीय थल सेना यूज करती है, वो परमाणु हथियार संपन्न है आप जानते ही। और इसी तरीके से जो वायुसेना है उसके पास ऐसे हवाई जहाज हैं डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने वाले जो परमाणु हथियारों को ले जाकर के शत्रु सीमा के अंदर गिरा सकते हैं। लेकिन थल जल सेना के पास ऐसा कुछ भी नहीं। ये मत कहिएगा कि उनके पास जो है एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उसको परमाणु हथियार को लेकर के चले। समझिएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अगर आप परमाणु हथियार लेकर के जा रहे हैं और अगर उसके ऊपर शत्रु ने बम गिरा दिया तो परमाणु हथियार वहीं लग जाएगा और उसका नुकसान होगा कि नहीं, आपका तो बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर पनडुब्बी में हम लेकर के चले परमाणु हथियार, तो पनडुब्बियों को पानी की सतह के नीचे रहने का एडवांटेज है, इनकी ट्रैकिंग मुश्किल होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि छुपी ही रहती, को खोज नहीं पाएगा, खोजी जा सकती है लेकिन इनकी ट्रैकिंग मुश्किल होती है, इसलिए उतनी आसानी से टारगेट नहीं बन सकती। तो अरिहंत नाम की जो हमारी परमाणु पनडुब्बी है
उसके साथ इंटीग्रेट की गई है मिसाइलें, लेकिन K-15 की रेंज है कम, 750 से 1500 किलोमीटर। तो K-15 के आगे एक अन्य मिसाइल का विकास किया गया, ये K-4 के नाम से जानी जाती है, K-4। K-4 एक इंटर जो है आप कह सकते हैं एक जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है, और ये 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है, और ये लगभग लगभग 2 टन तक के पर्वत हथियारों को लेकर के चल सकता है। चाहे ये हथियार परमाणु शक्ति संपन्न हो यानी परमाणु हथियार हो, चाहे ये परंपरागत हथियार हो, तो के सीरीज में पहली तो K-15 या सागरिका थी, दूसरी K-4 है जो 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है, 2 टन तक के परमाणु हथियार या परंपरागत हथियारों को लेकर के चल सकती है। अब आप समझ सकते हैं इसका भी सफलतापूर्वक निर्माण हो चुका है, अरिहंत जो जो आप कह सकते हैं जो हमारा जो जो है परमाणु शक्ति से चालित जो हमारी जो पनडुब्बी अरिहंत है उसके साथ इसको फुल्ली इंटीग्रेट किया जा चुका है, इसका डिप्लॉयमेंट हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं हमने आपसे कहा था कि अगर हम अग्नि 5 का भी प्रयोग करें तो चीन के ज्यादातर इलाके तो हमारी जद में आ जाते हैं, लेकिन चीन का सबसे उत्तरी पूर्वी जो कोना है जापान के निकट जो पड़ता है वो हमारी जद से बाहर है। अगर चीन के साथ हमारा युद्ध हो मान लें तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम अग्नि मिसाइल को रखते हैं तो चीन के ज्यादातर हिस्से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ हिस्से फिर भी बचे रहेंगे। और अगर हम उस दौरान K-4 मिसाइल को दक्षिण चीन सागर में डिप्लॉय कर दें, प्रशांत महासागर में डिप्लॉय कर दें, क्वाड तो बन ही रहा है, और अगर हम वहां से हमला करें यानी यह हमला दुतरफा हो जाए तो चीन का कोई भी कोना हमारे परमाणु हथियार के रेंज से बाहर नहीं रह जाएगा। तो K-4 इसीलिए जरूरी है। हम बार बार चीन को टारगेट करके बोलते हैं, हमने आपसे पहले भी कहा था कि भारतीय जो जो सैन्य क्षमता है उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है चीन के शक्ति संपन्न होने, शशांक सिंह, अवनीश तिवारी, नवनीत तिवारी, शिवदत्त सिंह, शुभम मौर्या, अभिषेक सिंह, आदित्य सिंह, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है और बस चर्चा में जुड़े रहिए। के सीरीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई जिज्ञासा हो तो हमने कहा कि आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी उनका मैं रियल टाइम में कुछ उत्तर दे पाऊंगा। बहरहाल अभी तो जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो उसको आइए आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो आप देखिए कि के सीरीज जो है किस तरीके से भारतीयों के लिए जरूरी है, क्योंकि चीन हमारे लिए अगर हम देखें तो पाकिस्तान हमारे लिए इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है, चीन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और चीन भारत के प्रति कटु एमनेस्टा रखता है, एक बार युद्ध में हम चीन के साथ हार भी चुके हैं लेकिन दोबारा वो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज का भारत एक शक्तिशाली भारत है और चीन को हर तरीके से प्रतिकार मिलने चाहिए। तो K-15 की तरीके से याद रखिएगा, K-4 भी डिप्लॉय की जा चुकी है, यानी भारतीय नौसेना इन दोनों मिसाइलों का प्रयोग इस समय कर रही है, इसका परीक्षण भी हमारी जलसेना भारतीय थल जल सेना इन दोनों का परीक्षण भी कर चुकी है। लेकिन के सीरीज में कुछ अन्य मिसाइलें हैं जिनका विकास अभी किया जा रहा है। अगली मिसाइल है K-5 जो 5000 किलोमीटर से लेकर के 6000 किलोमीटर की दूरी तक मार करेगी, 2 टन तक के हथियारों को लेकर के चल सकती है। यह हथियार जैसा हमने कहा कन्वेंशनल अथवा नॉन कन्वेंशनल कुछ भी हो सकते हैं। के सीरीज की आखिरी मिसाइल ये अभी विकास के अधीन है, K-6 के नाम से जानी जाती है। ये मिसाइल 6000 किलोमीटर से लेकर के 8000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली है और ये 2 से 3 टन तक के हथियारों को कैरी करेगी।
K4 विकसित हो चुकी है, K15 पहले ही विकसित हो चुकी है, K5 और K6 इस समय अंडर डेवलपमेंट है, इसका विकास किया जा रहा है। जब ये मिसाइलें पूरी तरीके से विकसित होंगी तब तक जो DRDO के वैज्ञानिक हैं वो दो और परमाणु पनडुब्बियों को पूरी तरीके से विकसित कर चुके होंगे, और तब फिर ये जब तीन की तीनों परमाणु पनडुब्बियाँ जो हैं इन परमाणु हथियारों से सुसज्जित K4 K5 और K6 जैसी मिसाइलों के साथ सुसज्जित हो जाएंगे तो हम हिंद महासागर में अपनी एक डोमिनेंस क्रिएट कर पाएंगे। दक्षिण चीन सागर के किसी भी विवाद में यदि हम चाहेंगे या सरकार चाहेगी तो सीधा हस्तक्षेप कर पाएंगे। चीन को रणनीतिक रूप से उत्तर दे पाने में हमारी सेनाएं और प्रबल हो चुकी। तो दोस्तों, भारत की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के संदर्भ में आज की चर्चा यहीं तक। कल हम लोग मिलेंगे तो भारत की कुछ अन्य महत्वपूर्ण मिसाइलों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू। कल इसी समय फिर मिलेंगे।